जो बनाया गया पुडुचेरी में गैबिन बनाया जाए, मट्टी भर दिया जाए, मैं सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको तो पता है कि सब जनप्रतिनिधि अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में जाता है तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है। वो अगर पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, कोई भी है, लेकिन जिसके वक्त में किया जाता है, कोई भी अफसर है, तो उसको कभी निकाला नहीं जाता है। हमारे महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम हुआ था करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जिसके माध्यम से जिस अफसर के वक्त में अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो अफसर को भी वहां से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको भी वहां से निकाला जाए और उसकी सर्विस वहां से कट की जाए। लेकिन वो प्राविधान हमारे महाराष्ट्र म्यूनिसिपल काउंसिल एंड महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग अमेंडमेंट बिल 2010, एलसी बिल नंबर 7/2010 और उसके बाद में ये स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों हाउस में उसको पारित किया गया और आर्टिकल 254(2) के तहत हमारे हिंदुस्तान की, यानी कि इसमें ऐसे प्राविधान है कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का मोहर लगाना जरूरी होता है, इसलिए ये बिल होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन इनके कमिटमेंट के लिए, कमिटी के लिए यहाँ भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये जल्द से जल्द पास किया जाए और महाराष्ट्र शासन क्योंकि सरकार में वहाँ बहुत दिक्कत है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद जी, मुझे यहाँ से और